के डॉक्टर गणेशी प्रसाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में आज एनडीए के माध्यम से CUET यानी कम्युनिटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का 3 पालियों में पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक बताया जा रहा है, जबकि दूसरे शिफ्ट का 12 बजे से 2 बजे तक का समय था। वहीं थर्ड शिफ्ट 3:30 से 6:30 बजे का समय था, लेकिन दूसरी पाली के पेपर लेट होने पर जब छात्राओं ने विरोध करते हुए बस इतना पूछा कि सर पेपर क्यों लेट हो रहा है, क्या कारण है, इसके बाद इस संस्थान के 5 से 6 स्टाफ और कर्मचारियों ने मिलकर PVC के पाइप से एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद से छात्राओं और अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं चश्मदीद सत्यम तिवारी के मुताबिक स्टाफ के लोग माँ बहन की गाली भी दे रहे थे। आपको बता दें, जिस छात्र की पिटाई हुई वह सिकंदरपुर के कठोड़ा गांव का रहने वाला है, जो मेहनत करते हुए पेपर देने आया था। पेपर लेट होने की वजह सर्वर डाउन, लिंक फेल होना बताया जा रहा है। आपका सत्यम तिवारी, क्या हुआ है यहाँ पे, इतनी भीड़ क्यों लगी है? भीड़ इसीलिए लगी है क्योंकि एक स्टूडेंट था, पेपर देने आया था और पेपर में लेट होने लगा, तो वो स्टाफ से पूछ लिया कि आखिर में रीजन क्या है, क्यों लेट हो रहा है। इसी वजह से उस बच्चे को इस इंस्टीट्यूट के स्टाफ लोगों ने उसको पकड़ के और उसको पीट दिया है, बहुत ज़्यादा उसको मार दिए, इंटरनली उसको चोट लगा है, PVC पाइप से उसको मारा गया है। अभी वो बच्चा कहाँ? अभी वो बच्चा एंट्री लिया है अंदर पेपर देने के लिए। कितने बजे की ये घटना है? ये घटना लगभग 1-1.5 घंटे पहले की है, 4 बजे करीब में ये घटना है, जबकि पेपर उसका होना था 3 बजे से, और वो बस 1 घंटे लेट हुआ, 1.5 घंटे लेट हुआ, वो पूछ दिया, इसी वजह से उसको मारा गया। कौन अंदर की स्टाफ मारे हैं? कितने लोग मिल के मारे? कम से कम 5-6 लोग मिल के मारे हैं। चोट लगी है? हाँ, इंटरनली चोट लगी है, उसको पेट पे PVC पाइप से मारे थे, जिस पे टी लगा हुआ था उसके अंदर पेट पे भी चोट लगी है, और पैर वगैरह पे तो मारे ही हैं, उसका यहाँ पे फूल गया है, एक साइड पे पूरे हाथ का निशान है। उस बच्चे को गाली भी दे रहे थे, माँ बहन की गाली भी दे रहे थे, अब स्टाफ ऐसे कर रहा है स्कूल का, उसकी तो बात ही दूसरी है। कहाँ से आए थे वो? वो आया था सिकंदरपुर के कठौड़ा से। किस चीज़ का एग्ज़ाम देने? CVET जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है NTA के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ का, उसी के लिए वो पेपर देने। फिर क्या अचानक ऐसे क्या हो गया कि? अचानक यही हुआ है कि वो लेट हो गया पेपर में, वो बच्चे जाके गेट पे पूछा कि क्यों लेट हो रहा है सर, मतलब रीज़न क्या है, इसी वजह से स्टाफ उसको आए पकड़े और एक ही बार दौड़ा दिए लड़कों को, और वो लड़का उधर साइड में अकेले में चला गया और उसको वो लोग। कितने बजे का टाइमिंग होना चाहिए, उससे कितना लेट हुआ? पेपर 3:30 बजे से स्टार्ट होने वाला था, जबकि पेपर का टाइमिंग हो गया था 5, और अभी सेकंड शिफ्ट के बच्चे अंदर ही हैं, देख रहे हैं आप लोग, थर्ड शिफ्ट वाले एंट्री ले रहे हैं, देख रहे हैं कितना लेट हो गया। अब जब थर्ड शिफ्ट वालों का निकलने का टाइम हुआ तब वो एंट्री कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। आपका क्या मानना है, इस लेट के पीछे भी कुछ रहस्य छिपा है क्या? लेट के पीछे का रहस्य यही होगा कि या तो यहाँ का वाईफाई नहीं चला होगा, सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, तो अगर सिस्टम अच्छे से काम तो आप लोग ये NTO को ईमेल करें कि क्यों हमारे जगह सिस्टम सही से नहीं काम कर रहा है, हम पोस्टपोन करवा दें, तो पोस्टपोन भी नहीं पेपर हो पा रहा है, ये लोग अभी पेपर करवाएंगे। कितने शिफ्ट के लोग परेशान हैं? थर्ड शिफ्ट वाले लोग परेशान हैं और सेकंड शिफ्ट वाले भी लोग परेशान हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट के जितने भी गार्जियन आए हैं वो अभी तक यहीं पे हैं, उनके बच्चे जब निकलेंगे तभी ना जाएंगे अंदर। अच्छा, फिर से पूछना चाहेंगे, फर्स्ट शिफ्ट वाले कितने बजे आए होंगे? फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर था 9:30 बजे तक, 7 बजे से 9:30 बजे तक, और उसके बाद से यहाँ पे फिर 12 बजे से, और उसके बाद से पेपर इन लोगों का था 12 बजे से 2 बजे तक सेकंड शिफ्ट, और 3:30 से 3:30 बजे से और 6:30 बजे तक थर्ड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट वाले क्या? सेकंड शिफ्ट वालों का, सेकंड शिफ्ट वाले तो खुद 1:30 बजे घुसे हैं, 1:30 बजे एंट्री लिए हैं सेकंड शिफ्ट वाले। पेपर अभी हुआ कि नहीं? पेपर अभी उन लोग का तो अंदर ही है, वो लोग पेपर नहीं दे पा रहे अभी, कहाँ पेपर, पता नहीं पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, भगवान जाने, अंदर कौन देख रहा है। अच्छा, इतनी देर से लगे हैं अंदर, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है? कुछ नहीं, बाहर जो व्यवस्था ही नहीं है तो अंदर। अब इस संस्थान की अवस्थाओं पर और संस्थान के स्टाफ पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? UP साठ न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।